Welcome students, today we are going to start our new chapter that is food, health and disease. यहाँ पे हम food discuss करेंगे, what is food, what are the nutrients, why food is essential, why we consume food, all the things and what the nutrients contain in a food. Food में क्या क्या होता है. उसके बाद health, हम हमारे health के बारे में discuss करने वाले हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीजें जो हमें अनहेल्दी बनाती है. और उसके बाद आएगा डिसीज, यानी कि किसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होगा या फिर क्या हमारी लापरवाही होती है उसकी वजह से क्या डिसीज होगा. डिसीज होगा तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सब हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट. फॉर बैलेंस डाइट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स. सो कैन यू टेल मी व्हाई डू वी ईट फूड. हम फूड क्यों खाते हैं. वी ईट फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस वेरियस न्यूट्रिएंट्स. एंड व्हिच आर दोस न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा है ये सब प्रीवियस स्टैंडर्ड में. कौन से न्यूट्रिएंट्स देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर ऑल द न्यूट्रिएंट्स. मिनरल्स में भी कैल्शियम, आयरन, ये सब मिनरल्स है. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी आपने पढ़ा है ये सब. उसके बाद देखो ये सब हो गए. अभी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है आपको पता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या करते, क्या प्रोवाइड करते बॉडी को, कैन यू टेल मी. यस ऑफ कोर्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी बॉडी को, जो वेरियस टास्क, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए. आपको रन करना है, रन करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी. आपको स्टडी करने के लिए एनर्जी लगेगी. आपको मूवी भी देखनी है, आपको कार्टून भी देखना है, उसके लिए भी आपको एनर्जी लगेगी. सो एनर्जी, वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स आर फैट्स. सो व्हाट इज बैलेंस डाइट. अ डाइट दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट. The diet that provides us all the nutrients in right amount, that diet is known as balanced diet. ऐसी diet जिसमें सब nutrients, और क्या बोला है, right amount में. ऐसे नहीं कि बहुत कम nutrients अगर diet में कम present हो ना तो उसका adverse हमारी body पे क्या effect, हम बीमार हो जाएंगे. अगर हमारी body को जो essential nutrients है, suppose हमने carbohydrates कम consume किए, मतलब कि हमने ऐसा खाना खाया जिसमें फैट्स कम है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो हम हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना. तो मतलब क्या, हमारी बॉडी जो सेट टास्क है, जो उसको एक टास्क परफॉर्म करना है, वो उतने अच्छे से, उतने परफेक्टली वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी. उसके बाद अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे फूड में अगर एक्सेसिव है, मतलब कि जितने रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे फूड में, हमारे डाइट में अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसका भी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होगा. मतलब कि उससे भी हम एक तो बीमार हो जाएंगे, एक तो इतने देखो फैट्स अगर ज्यादा हो गए तो हम जैसे ऐसे फूल जाएंगे, बॉडी फूल जाएगी, तो फिर हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे या फिर थोड़ा सा ही काम करके हम थक जाएंगे, जल्दी से थक जाएंगे. तो ये सब क्या, एडवर्स इफेक्ट. सो वॉट इज, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वॉट इज बैलेंस डाइट. अ डाइट दैट कंटेन्स और दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, सच अ डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट. नाउ न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स, वॉट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. फूड आइटम्स मेड आउट ऑफ राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, पम्पकिन, बनाना आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कौन सा फूड है जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है. एनी फूड मटेरियल विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, राइस के बने हुए, जैसे आपका डोसा वगैरह हो गया, इडली हो गई, फिर व्हीट की चपाती, ब्रेड, फिर मेज, पोटैटोस, ये सब जो है, बनाना, ये इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ये हमें प्रोवाइड करेंगी कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ फैट्स, फैट्स का फंक्शन क्या है, सेम एज लाइक दी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी. तो फैट किसमें होता है, जो भी ऑयली सब्सटेंसेस होता है, ऑल द ऑयली सब्सटेंसेस, इवन ऑयल, सी हियर, ऑयल, बटर, घी, मिल्क, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, फैट. सो मिल्क, बटर, घी,
की ऑयल क्रीम नट्स एग्स फिश मीट ये सब दीज आर रिच इन फैट्स मीन्स दीज आर दी सोर्सेस ऑफ फैट्स. नाउ वी विल सी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्यों रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी में. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन अवर फूड इन अवर डाइट बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. बॉडी की ग्रोथ यानी कि हमारी जो हाइट बढ़ती है हम जो हेल्थी ग्रोथ करती है हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है. प्रोटीन्स की वजह से. ऑल्सो अगर हम इंजोर हो जाते हैं हमारी बॉडी अगर कहीं पे डैमेज हो जाती है कहीं पे कट हो जाती है तो कट होने के बाद देखो वहां पे स्टिचेस डॉक्टर क्या करेंगे स्टिचेस देंगे. स्टिचेस के बाद देने के बाद भी हमारी स्किन रिकनेक्ट होती है तो वो किसकी वजह से. प्रोटीन्स की वजह से. देखो जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर इंजोर बॉडी जब इंजोर हो जाती मेजर इंजुरी अगर कोई है मेजर डैमेज है बॉडी का तो डॉक्टर उनको बोलते कि आप ना नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दो. क्यों नॉनवेज. क्योंकि नॉनवेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है. तो ये क्या करता है हमारी जो बॉडी के डैमेजेस है ये रिपेयर करने में हेल्प करेगा. पल्सेस मिल्क चीज एडिबल मशरूम्स ऑल काइंड्स ऑफ नट्स व्हीट फिश एग्स मीट दीज आर रिच इन प्रोटीन्स मीन्स दीज आर दी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स. पल्सेस मिल्क फिश एग्स मीट एक्सेट्रा. सो यहाँ तक हमने ये तीन न्यूट्रिएंट्स देखे. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन देखेंगे मिनरल्स देखेंगे मिनरल्स में भी कैल्शियम आयरन वगैरह देखेंगे. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच.